है वो अब रोके नहीं रुकने वाला है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त वायनाड भी लिए चलते हैं। केरल में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, तीसरा दिन है आज उनका रोड शो का, वायनाड दौरे का। और देखिए तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, रोड शो चल रहा है राहुल गांधी का, संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का, ये जीत मिली है उन्हें और जनता का धन्यवाद करने पहुंचे हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है राहुल गांधी का। देखिए भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं। इन अ वे सिंपली ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सपोर्ट ई അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനു മുമ്പ് കേവലം ഒരു നന്ദി മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുക, മറുപടി പറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമേ അല്ല. ഐ ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ ലവ് വിത്ത് റിട്ടേണിംഗ് യുവർ ലവ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മറുപടിയായി എന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് മീ ഫീൽ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് മീ ഫീൽ ആസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ലിവിംഗ് ഹിയർ ഫോർ എവർ. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി. Now, yesterday I spoke to a number of delegations who came and met me. ഇന്നലെ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള നിവേദക സംഘങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. And they told me about some of the issues that the people of Wayanad are facing. അവരെല്ലാവരും തന്നെ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. And I realized that these issues are not simple issues, they are complicated issues. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കേവലം ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല അവ, കുറേയേറെ സങ്കീർണതകൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. So my commitment to you is that I will work with you to resolve these issues that are a hindrance to your development, to your future. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബഹുമുഖമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദവും പരിശ്രമവും ഞാൻ നടത്തും തുടരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ. तो जो लोग पहुंचे हुए रोड शो में उन्हें संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी, सुना आपने किस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा यह भी कहा कि जो लोग पहुंचे उनके पास उन्होंने अपनी समस्याएं भी उनके सामने रखी हैं और ये समस्याएं आसान नहीं है, बहुत जटिल है, लेकिन ये वादा भी कर रहे हैं कि उनके ऊपर काम करेंगे राहुल गांधी, समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में राहुल गांधी जो रोड शो कर रहे हैं, वहां जो लोग उमड़े हुए हैं, भीड़ वहां पर पहुंची हुई है, उसे संबोधित कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं लोगों का। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में यहां पर राहुल गांधी को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। मेरे सहयोगी रजत इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी और इसके अलावा यह भी कहा कि वायनाड में समस्याएं तो बहुत हैं। बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है राहुल गांधी का वायनाड में। आप कह सकते हैं एक कच्ची कॉल है, एक धन्यवाद देने के लिए गए हैं वायनाड ने, उनको जिताया है भारी बहुमत से। अमेठी से चुनाव हार गए थे, वायनाड ही वो आप कह सकते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे वो रिटेन कर पाएंगे लोकसभा के अंदर। एक करारी हार आप कह सकते हैं देशभर में मिली है, सिर्फ पंजाब और केरल दो ऐसे राज्य थे जहां से सीटें मिली है। तो एक बड़ा प्रोग्राम राहुल गांधी ने वायनाड का बनाया है, आज तीसरा दिन है और धन्यवाद दे रहे हैं। और कल हमने जैसे देखा कि वायनाड में बकायदा जो दफ्तर था वहां बैठे लोगों से मिले और कहा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कतें हैं और मैं बड़ा प्रोग्राम राहुल गांधी ने वायनाड का बनाया है, आज तीसरा दिन है और धन्यवाद दे रहे हैं। और कल हमने जैसे देखा कि वायनाड में बकायदा जो दफ्तर था वहां बैठे लोगों से मिले और कहा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कतें हैं और मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना काम करूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत कैजुअल तरीके से हमें वो लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, सीधा कनेक्शन जोड़ने की अब ये रणनीति है। बिल्कुल, देखिए कुछ ना कुछ बदलाव आया है। अमित जी जब जाते थे तो ज्यादातर गेस्ट हाउस में रहते थे, लोगों से वहीं पे मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने तस्वीरें देखी उसमें बकायदा एक ऑफिस था, बकायदा लोगों के साथ बैठे, लोगों से मिले, लोग जो पेपर्स दे रहे थे, तो एक कूल अंदाज नजर आया कि हाँ भाई लोगों से मिलने की कोशिश है, कनेक्ट की है। और पर्सनल कनेक्ट ज्यादा जरूरी है। पहले ये होता था कि कई लोग होते थे जो राहुल गांधी से जुड़े रहते थे, वो ये सब काम करते थे, वो देखते थे, लेकिन अब ये काम जो है वो खुद राहुल गांधी ने शुरू किया है कि जो लोग हो आपकी संसदीय क्षेत्र के उनसे डायरेक्ट संवाद स्थापित किया जाता है। रह जाते एक चीज और समझाएं, क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा नहीं कि राहुल गांधी अमेठी से जीते तो वहां की जनता का इस ढंग से उन्होंने धन्यवाद दिया हो, ऐसा रोड शो किया हो, तो क्या कहा जाए कि अब जो जनादेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि केरल और पंजाब कम से कम इन दो जगह स्थिति अच्छी है, उसे खोना नहीं चाहती है कांग्रेस, और बीजेपी ने जिस तरह से रोड शो और धन्यवाद देने की एक परंपरा शुरू की है, अब उसी के रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है।
बिल्कुल उसी रास्ते पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा पर्सनल कनेक्ट हो और पब्लिक अपीयरेंस जो हो वो ऐसी ना हो कि सिर्फ रोड शो तक सीमित रह जाए, कि एक विजुअल अपॉर्चुनिटी लगे लोगों को कि सिर्फ आए और हाथ हिला के चले गए, पर्सनली लोगों से ज्यादा लोगों से मिल पाए, यही रणनीति रहेगी राहुल गांधी। एक चीज और मैं यहाँ पर रजत आपसे समझूंगी, क्योंकि मोदी भी पहुंचे थे कल यहाँ पर और उन्होंने कहा कि भले केरल ने मुझे हराया लेकिन केरल के लोग भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने बनारस के, तो आप क्या राहुल गांधी अमेठी भी जा सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि पहले अमेठी जाने से पहले मुझे लगता है कि उसके पहले यूपीएससी। रजत माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, एक अहम और